हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज 18 दिसंबर 2019 को जीएसटी काउंसिल की 38वीं मीटिंग थी। ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो गई है और हमारे पास इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं उसका प्रेस रिलीज आ गया है। तो अपने पास ये देखिएगा, प्रेस रिलीज है 18 दिसंबर 2019 का, मतलब आज का ये 9:52 पे, मतलब कि 1 घंटे पहले आया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं कि अपनी जीएसटी काउंसिल की 38वीं मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। ये बोल रहे हैं द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड द फॉलोइंग, मतलब कि जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो पहला क्या है कि एक जीआरसी, मतलब कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी जोनल और स्टेट लेवल पर, जिसमें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऑफिसर्स होंगे, साथ ही साथ अपने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जीएसटी स्टेक होल्डर्स, मतलब कि कुछ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एंड जीएसटीएन की जो है टीम होगी। तो ये जो टीम है, मतलब कि जो जीआरसी बनाया जाएगा, ये लोग हम जो टैक्स पेयर्स हैं, ये हमारे जो ग्रीवेंसेस होंगे उसको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जो है सॉल्व करेंगे अपने जोनल और स्टेट लेवल पर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्निंग फॉर्म GSTR 9 एंड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C फॉर फिनेंशियल ईयर 17-18 टू बी एक्सटेंडेड टू 31 जन 20। ठीक है, मतलब कि अपने GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न और GSTR 9C यानी कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर GST ऑडिट का फॉर्म बोलिए, जो अपना फिनेंशियल ईयर 2017-18 का था, इसके डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 17-18 का जो लास्ट डेट था GSTR 9 और 9C का, वो था 31 दिसंबर 2019, लेकिन अब इसको एक महीना और बढ़ा के 31 जनवरी 2020 कर दिया गया है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल ईयर 17-18 के GSTR 9 और 9C के ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 जन 2020, मतलब कि 31 जनवरी 2020 कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा डिसीजन इस मीटिंग का यही है। आइए इसको देखिएगा, बोल रहे हैं फॉलोइंग मेजर्स वुड बी टेकन टू इम्प्रूव फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1, मतलब कि फॉर्म GSTR 1 लोग फाइल करें, इसके लिए जो है नीचे दिए गए मेजर्स, मतलब कि जो काम है ये गवर्नमेंट करेगी, क्या क्या करेगी। पहला देखिएगा, वेवर ऑफ लेट फी टू बी गिवन टू ऑल टैक्स पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पेंडिंग GSTR 1 फ्रॉम July 17 to November 19 इफ द सेम आर फाइल्ड बाई 10th Jan 20। मतलब कि जब से GST लागू हुआ था, July 2017 से November 2019 तक का GSTR 1 अगर आप 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि वैसे भी अभी तक GSTR 1 पर कोई लेट फी नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप July 17 से November 19 का जो GSTR 1 है उसको 10 जनवरी 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद फाइल करेंगे तो आपको GSTR 1 का लेट फी भी देना पड़ेगा। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। तो GSTR 1 को और जो है इम्प्रूव करने के लिए जो दूसरा मेजर है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं ईवे बिल फॉर टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड दियर फॉर्म GSTR 1 फॉर 2 टैक्स पीरियड शैल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, अब याद था रूल 138E जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि अगर आप 2 कंजीक्यूटिव पीरियड के लिए GSTR 3 भी फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो है ईवे बिल बनाने से ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब कि ईवे बिल नहीं बना पाएंगे, जो कि 21 नवंबर 2019 से लागू भी है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 2 GSTR 1, मतलब कि 2 टैक्स पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं तो आपको ईवे बिल बनाने से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हम देख रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, 3B तो फाइल कर दे रहे थे, लेकिन GSTR 1 बहुत सारे लोगों का छूटा हुआ है। तो अब इसके लिए भी आपके पास देखिए आ गया रूल, क्या है ये कि अगर आप 2 कंजीक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो है ईवे बिल बनाने से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आई थिंक इससे क्या होगा कि सारे लोग अपना GSTR 1 फाइल करना तो एटलीस्ट चालू कर ही देंगे। आइए आगे देखते हैं, नंबर 4 क्या बोल रहा है। ये बहुत ही मेरे हिसाब से घटिया डिसीजन है, इसको तो होना नहीं चाहिए था। थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था जो अपना रूल 36 सब रूल 4 आया था, याद है ना, वो क्या बोल रहा था कि आपके 2A में, GSTR 2A में जितना ITC दिख रहा है उससे 20% और ITC आप ले सकते हैं। अगर आपका जो है ITC है और नहीं दिख रहा है, मतलब कि अगर आपके सप्लायर ने जो है आपका जो बिल है वो नहीं डाला है तो आपके 2A में दिखेगा नहीं, तो जितना दिख रहा है उससे 20% और एक्स्ट्रा ले सकते थे। अब इन्होंने इस 20% को 10% कर दिया है। आगे इसके बारे में देखेंगे कि इस पर क्या बातें होती है, लेकिन इसको इन्होंने
10% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं, टू चेक द मीनिंग ऑफ फेक इनवॉइस सुटेबल एक्शन टू बी टेकन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड ITC इन सर्टेन सिचुएशन। मतलब कि फेक इनवॉइस जनरेट करके जो लोग ITC क्लेम कर ले रहे हैं तो उसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं कि वैसे केसेस में ये सुटेबल एक्शन लेंगे ताकि जो है फ्रॉडुलेंटली जो भी लोग ITC अवेल कर रहे हैं उसको ब्लॉक किया जा सके। अगला क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर टैक्स ऑफिसर्स वुड बी इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। ये बोल रहे हैं कि फॉर्म जो अपना GSTR 3B है तो जो लोग भी इसको फाइल नहीं कर रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएंगे जो कि टैक्स ऑफिसर्स को मतलब ये बताया जाएगा कि ये SOP मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है ये जो है एक्शन लेंगे अपने टैक्स ऑफिसर्स। ठीक है, ये देखेंगे बाद में जब नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर आ जाएगा कि क्या ये SOP मतलब कि क्या प्रोसीजर बना रहे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आगे देखते हैं, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GST रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 19 टू बी एक्सटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये भी हमें जो है नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। ये बोल रहे हैं कि नवंबर 2019 का जो GST रिटर्न है उसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मतलब कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो ये किन किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा और नोटिफिकेशन के लिए टेंशन मत लीजिएगा, ये कल तक आई थिंक या फिर कल परसों तक आ जाएगा। लास्ट ये क्या बोल रहे हैं कि द काउंसिल ऑल्सो अप्रूव्ड वेरियस लॉ अमेंडमेंट्स विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2020। और भी बहुत सारे जो हैं लॉ के अमेंडमेंट्स पे बात की गई है जो कि बजट 2020 में ये लोग अप्रूव करेंगे बताएंगे। क्लियर है, नीचे वही लिख रहे हैं कि काउंसिल में जो बातें की गई हैं जो डिसीजन लिए गए हैं उसको और भी सिंपल लैंग्वेज में ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर के जरिए बता दिया जाएगा। तो आई थिंक 38वीं काउंसिल मीटिंग में जो भी बातें कही गई हैं जो भी डिसीजंस लिए गए हैं इसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।